अभी हम देख रहे हैं ब्रिटानिया का चार्ट। तो ब्रिटानिया के लिए हम लोग देखिए, अगर यहाँ पे इतना रेंज को आप देखें, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसका नेकलाइन ये बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे नेकलाइन के ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन वहाँ पे उसको फेल हो गया। देखिए कॉन्सेंट्रेट किया लेकिन उसको रिजेक्शन मिल गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न फेल हुआ। कोई पैटर्न फेल होता है तो उसका ऑपोजिट साइड का मोमेंटम बहुत अच्छा खासा आता है, हाइपरबोलिक रहता है, या तो 80 से 90% टाइम वैसे ही होता है। तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न फेल हो चुका है। फेल होने के बाद देखिए उसका नेकलाइन की तरह नीचे ही उसने ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद थोड़ा रिट्रेस का, रिट्रेस देने के बाद अच्छा खासा फॉल आया। तो यहाँ पे उम्मीद है कि अगर सेलिंग प्रेशर आ चुका है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सेल साइड का अपॉर्चुनिटी ढूंढने का एक रीजन मिल गया हम लोग को। सेकंड रीजन आप देखिए मार्केट, अगर देखिए यहाँ से मूवमेंट है तो ये है, इसने हाई बनाया, रिट्रेस किया, अगेन हाई, लेकिन सेम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डबल टॉप पैटर्न बनते हैं, ठीक है। डबल टॉप पैटर्न बनाया, तो डबल टॉप पैटर्न जो कैसा है, ठीक है, इसका नेकलाइन होगा। मार्केट जब इस नेकलाइन को ब्रेक कर देगा और सस्टेन कर देगा ना, यहाँ पे आप शॉर्ट साइड ट्रेड करना शुरू कर देंगे और अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन तो दिया नहीं है लेकिन हम लोग इसको डबल टॉप का एजिंग करते हैं क्योंकि मार्केट वहीं से ही घुमा हुआ है। तो इसी हिसाब से हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फेल के हिसाब से आप यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद इसको टारगेट यहाँ रखिए पहले, क्योंकि यहाँ पे कैसे रिएक्ट करेगा इसको पता नहीं है। अगर यहाँ से ही ब्रेक डाउन देते हैं आप बहुत ही अच्छा खासा लंबा टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे ब्रिटानिया में।